विकास नगर रोड झजरा में स्थित शुभारती अस्पताल में रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देहरादून आईजी पुष्कर ज्योति मुख्य अतिथि रहे। आईजी पुष्कर ज्योति ने बताया कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और उन्होंने कहा कि शुभारती मेडिकल कॉलेज में जो सबसे बड़ा योगदान है वह अपना परिवार संगठन का है और बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया गया है और बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी हाल में ही नेपाल में आपदा आई थी तो हम पुलिसकर्मियों का भी रक्तदान कराया गया था और समय समय पर इसकी आवश्यकता है, इसे करते रहना चाहिए। और मैं पत्रकार के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, अगर आप थोड़ा सा आश्वस्त हैं तो मोटिवेट करिए और ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहें ताकि कोई डिजास्टर या एक्सीडेंट होता है तो खून की कमी से किसी की दुखद घटना ना हो। और कोरोना की बात करें तो बहुत लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव बिल्कुल नहीं आएगी अगर सावधानी बरती जाए तो, नहीं तो आप सब जानते हैं कि केरला में क्या हाल है। और जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है, दो गज दूरी मास्क है जरूरी, कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएं। लगे हैं उससे बचाव के जो वो हैं उस पर हमें जो गौर करना पड़ेगा और हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा, जिसमें आप जैसे पत्रकार भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। आज शुभारती मेडिकल कॉलेज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के चेयरमैन डॉक्टर और जो सबसे बड़ा योगदान है अपना परिवार के पूरा सदस्य होगा और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी हाल ही में हम लोगों में जब नेपाल में विपदा आई थी तो सारे हम पुलिसकर्मियों का भी रक्तदान काफ़ी कराया गया था और बहुत सी यूनिट्स होती हैं, तो समय समय पर इसकी आवश्यकता है और इसको कराते रहना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करूँगा कि थोड़ा सा भी स्वस्थ है तो मोटिवेट करिए और ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहें ताकि कभी कोई डिजास्टर होता है, कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो खून की कमी से किसी की दुखद मृत्यु ना हो। कोरोना के लिए सर कोई निश्चित चल रहा है, थर्ड वेव बहुत लोग कह रहे हैं, थर्ड वेव बिल्कुल नहीं आएगी अगर हम लोग प्रिकॉशन पर और प्रिकॉशन नहीं बरतेंगे तो केरला जैसा हाल होगा और थर्ड वेव आ जाएगी। तो सभी आपके माध्यम से सभी से भी कि मास्क है ज़रूर और दो गज की दूरी, ये सिद्धांत जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का है वो तो ज़रूर अप्लाई करें और कोरोना से बचें, अपने को बचाएं दूसरे को भी बचाएं। थैंक यू। धन्यवाद। मेरा नाम अतुल कृष्ण है। हाँ, ये जो शुभारती अस्पताल आप देख रहे हैं ये इसका स्थापना मेरे द्वारा ही की गई है, मैं जिस ट्रस्ट के द्वारा की गई है मैं उसका संस्थापक हूँ। सर, इसका जो इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है इसका क्या उद्देश्य है आपका, क्या देखिए अगर आपको जानकारी हो तो मेरठ में मेरा शुभारती अस्पताल के नाम से लगभग 1200 शैयाओं का एक बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ पर सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, सामान्य सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं और विशेषज्ञ सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं, हार्ट की सर्जरी और रेडियोथेरेपी वगैरह भी उपलब्ध है। किसी प्रकार का एक प्रतिष्ठान हम उत्तराखंड में और देहरादून में स्थापित करना चाहते हैं। इसमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान हम रख रहे हैं, एक तो पहला ध्यान ये रखा जा रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज के प्रत्येक वर्ग का यहाँ पर इलाज हो सके, चाहे वो समर्थ वर्ग का हो और चाहे वो वंचित वर्ग का हो, हमारे लिए उसके इलाज में कहीं कोई भेदभाव ना हो और उसको उसी प्रकार सुविधा मिल सके जो उसको एक मानव के नाते मिलनी चाहिए। और दूसरा हमारा प्रयास ये है कि जो भी सारी तो बहुत सारी सुविधाएं देहरादून में उपलब्ध हैं लेकिन जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध ना भी हों वो भी यहाँ पर लाई जाएं, जिससे कि उत्तराखंड का ये एक सितारा बन जाए। उत्तराखंड 24/7